हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने किया था डबल कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर बैलेंस वो बोलते हैं कि आपको एट द एंड रखना ही है। आज जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होती है? ये कैश बुक हम बनाते हैं जो हमारी बिजनेस के छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए, ठीक है। तो पेटी कैश बुक के अंदर हम एक सिस्टम है जो फॉलो करते हैं, जिसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, जिसके अंदर जो भी हमारा कैशियर है या फिर जो भी ये खर्चे करता है उसको हम क्या करते हैं, एक डेफिनेट सम दे देते हैं मंथ स्टार्ट होने से पहले। जैसे जो भी पर्सन है, हमने उसको मंथ स्टार्ट होने से पहले 1000 रुपीज़ दे दिए पेटी कैश के लिए, मतलब जो भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस होंगे वो उसको पे करने हैं और उसका सारा हिसाब रखना है पेटी कैश बुक के अंदर। और इम्प्रेस सिस्टम का मेन मतलब क्या होता है, जैसे हमारा मंथ चल रहा है जून, तो हमने 1 जून को उसको 1000 रुपीज़ प्रोवाइड कर दिए, तो 1000 में से वो क्या करेगा, अपने जो भी एक्सपेंसेस होंगे, छोटे मोटे खर्चे होंगे, वो उसको पे करता रहेगा। और 30 जून को जितना भी उसका बैलेंस बचेगा, ठीक है, वो हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे हमने उसको 1000 रुपीज़ दिए थे और पूरे जून में उसने 800 रुपीज़ तो क्या किए, यूज़ कर लिए, छोटे मोटे खर्चे पे कर दिए और 200 रुपीज़ उसके पास बच गए एट द एंड। तो हम उसका जुलाई में क्या करेंगे, 2000 रुपीज़ तो उसके पास पहले बड़े होंगे, हम उसको 800 रुपीज़ और दे देंगे ताकि वो क्या करे, नेक्स्ट जो जुलाई का बैलेंस है उसके पास फिर 1000 आ जाएगा, जिसमें से वो अपने जो भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस है उसको पे करता रहेगा और अपने पास पूरा उसका हिसाब रखेगा कि मैंने कितने पैसे कहाँ पर कैसे लगाए हैं। तो ये इसके लिए हम बनाते हैं पेटी कैश बुक। इसका हम परफॉर्मा देख लेते हैं कि इसका परफॉर्मा बनाया कैसे जाता है। तो हमारे पास परफॉर्मा गिवन है। सबसे पहले आप दिखाते हैं अमाउंट रिसीव्ड, जो भी आपको इम्प्रेस्ड सिस्टम से अमाउंट मिलेगी हम वो दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैश बुक फोलियो, जैसे लेजर बुक वाला होता है या जो होता है वो कैश बुक फोलियो दिखाएंगे। उसके बाद डेट दिखाएंगे कि कितनी डेट को आपने क्या खर्चा किया। देन पर्टिकुलर्स दिखाएंगे किस पर खर्चा किया है, जो भी जर्नल एंट्री होगी आपकी पर्टिकुलर्स में आ जाएगी। देन वाउचर नंबर, आपने जो एक्सपेंस किए हैं उसका जो भी बिल नंबर होगा वो सब आ जाएगा। देन नेक्स्ट है टोटल पेमेंट, इस मंथ में आपने कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे लगाए उसके बारे में सारी जानकारी होगी, टोटल पेमेंट्स कितनी की हैं। इसके बाद आप एक एक अलग अलग क्या बनाते हो, कॉलम बनाते हो, मतलब पोस्टेज के लिए या कॉरियर के लिए किए हैं तो इस कॉलम में दिखाएंगे, ताकि हम अलग अलग पता लगा सकें कि पोस्टेज पे कितना खर्चा किया, कन्वेयंस पे कितना खर्चा किया, वेजेस पे कितना किया, हमको हर एक चीज़ की अलग अलग इन्फॉर्मेशन हो। तो ये पोस्टेज का आ जाएगा सबसे पहले। देन वेजेस पर आपने कितना खर्चा किया वो दिखाएंगे। देन कन्वेयंस पे, कन्वेयंस होता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो कन्वेयंस का खर्चा आ जाएगा। देन कार्टेज का, गुड्स को लोड अनलोड करवाना या उनके लिए कुछ एक्सपेंसेस पे किए हैं। देन स्टेशनरी, स्टेशनरी का खर्चा आ जाएगा। और इन सारी कॉलम में से जो नहीं आएगा, मतलब कोई पोस्टेज का भी नहीं है, वेजेस का भी नहीं है, कन्वेंस का भी नहीं है, कार्टेज का, स्टेशनरी का नहीं है, तो वो किस में जाएगा, मिसलेनियस में। मिसलेनियस एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो मिले हुए हैं, जिसका अलग से कोई हमने अकाउंट नहीं बनाया, तो वो किस में आ जाता है, मिसलेनियस में, ठीक है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन आपके पास है 16। इलस्ट्रेशन 16 में प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस्ड सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। जुलाई 1 को रिसीव 10,000 फ्रॉम द कैशियर, ठीक है। यहाँ पर जुलाई 1 है, आपको कैशियर से पैसे मिले हैं तो वो हम एंट्री कर देंगे टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में मिले हैं तो टू कैश अकाउंट कितने मिले हैं, जो अमाउंट रिसीव है हम यहाँ पर दिखाएंगे वो 10,000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद आपको वो बोलते हैं परचेज्ड स्टेशनरी, तो आप एंट्री क्या करेंगे, ये सिर्फ आने की एंट्री है, इसके बाद जो सारी की सारी है, जैसे हमने किया था कि पैसा आता था तो हम टू में दिखाते थे, जाता था तो बाय में दिखाते थे कैश बुक के अंदर, तो पैसा आया सिर्फ एक ही बार है जो आपको ऑफिस से मिला। अब इसके बाद आपने सारे एक्सपेंसेस पे करने हैं, तो सारे आपके किस में जाएंगे, बाय में जाएंगे। तो सबसे पहले तो स्टेशनरी परचेज की है, तो बाय स्टेशनरी 800 की। टोटल पेमेंट्स में सारे एक्सपेंसेस दिखाएंगे और बाकी किस में दिखाएंगे, उसकी कॉलम में 800 स्टेशनरी पे लगा दिए। देन आता है पेड फॉर वेजेस 500, ये 3 को पे किया था, अब 6 को है,
पेड फॉर वेजेस, तो बाय वेजेस अकाउंट 500 पे किए हैं, टोटल पेमेंट में तो सब दिखाना है और वेजेस में दिखाएंगे 500. देन सेम डे ही है फॉर चैरिटी, तो बाय चैरिटी. अब जो चैरिटी का है हमारे पास अलग से कॉलम नहीं है, टोटल पेमेंट्स में तो आएगा ही आएगा 300, कोई अलग से कॉलम नहीं है, तो किसमें जाएगा? मिसलेनियस में 300 रुपीज. ठीक है, ये भी आपका 6 का खर्चा है. देन 7 को परचेज्ड सोप बाय सोप. ठीक है, तो अलग से सोप का तो हमारे पास कुछ है नहीं, अलग से कॉलम 200 पे किए हैं, तो वो 200 किसमें दिखा देंगे? मिसलेनियस में. देन आता है 7 को ही आपने किया है न्यूज़पेपर का बिल पे, तो एंट्री करेंगे बाय न्यूज़पेपर बिल. कितने का किया है? 700 का, तो वो यहाँ दिखाएंगे. न्यूज़पेपर बिल 700, न्यूज़पेपर के लिए हमारे पास कोई कॉलम नहीं है, तो वो किस में जाएगा? मिसलेनियस में जाएगा. नेक्स्ट है पेड टैक्सी फेयर. 9 को आपने टैक्सी का फेयर किया, पे किया है, तो टैक्सी का फेयर आप कब पे करते हैं? इधर से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपने पे किया है 800 रुपीज, तो ये किस में चले जाएंगे? कन्वीनियंस में चले जाएंगे. एक जगह से दूसरी जगह जाने का खर्चा, पर्सन को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है वो कन्वीनियंस में आएगा, और जब हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे वो कार्टेज में आएगा. ठीक है, तो हमने कन्वीनियंस का खर्चा दिखा दिया. नेक्स्ट है कार्टेज 200, तो 9 को ही है बाय कार्टेज 200, इधर भी दिखा लेंगे 200. नेक्स्ट है 9 के बाद 12 को पोस्टल एक्सपेंसेस 600. पोस्टल एक्सपेंसेस पे किए हैं, वो किससे रिलेटेड हो गए? आपके पोस्ट से रिलेटेड. पोस्टल एक्सपेंसेस हैं आपके 600, तो वो किसमें दिखा देंगे? पोस्टेज में. नेक्स्ट है ऑटो फेयर पे किया है 380, फिर कब पे किया है? 14 को बाय ऑटो फेयर, फिर किस में आ जाएगा? कन्वेयंस में 380 रुपीज, और इसमें भी दिखा देंगे 380 रुपीज. नेक्स्ट है पेड फॉर कॉरियर सर्विसेज 70 बाय कॉरियर 70, और किस में जाएगा? पोस्टेज एंड कॉरियर, पोस्टेज के अंदर ही 70 रुपीज. स्पीड पोस्ट चार्जेस 400, कितनी तारीख को है? 25 को, सॉरी ये 14 का था, अब 25 का है. स्पीड पोस्ट का कितने पे किए हैं? 400 रुपीज, तो स्पीड पोस्ट भी किस में आएगा? कुरियर के अंदर ही आएगा. देन 25 को ही आपने किस में पे किए हैं? वेजेस पे की है 600 की, तो बाय वेजेस 600, वेजेस में दिखा देंगे 600. देन है रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, सॉरी 26 को कार्टेज पे किया है बाय कार्टेज, कितने का पे किया है? 450 का, तो किसमें डाल देंगे? कार्टेज में 450, और यहाँ भी 450. ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 800, कब पे किए हैं? 27 को बाय रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस. रिफ्रेशमेंट के हमारे पास कोई कॉलम नहीं है, तो मिसलेनियस में जाएगा 800 रुपीज. देन है फोटोस्टेटिंग चार्जेस, ये किसमें जाएगा? फोटोस्टेट वाला खर्चा किसमें जाएगा? जो आपकी स्टेशनरी है उसके अंदर. ठीक है, 400, सॉरी स्टेशनरी में नहीं जाएगा, आपके मिसलेनियस में जाएगा फोटोस्टेट का जो खर्चा है 400, वो किस में डाल देंगे हम? मिसलेनियस में, क्योंकि इसके लिए आपके पास कोई कॉलम नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट है पेन पेंसिल. अब ये आपका स्टेशनरी से रिलेटेड है, तो बाय पेन पेंसिल कितना पे किया है? 750 यहाँ दिखाएंगे, और स्टेशनरी में भी दिखाएंगे 750 रुपीज. देन है वेजेस 300, तो बाय वेजेस 300, वेजेस में दिखाएंगे 300. नेक्स्ट है लोडिंग चार्जेस, ये गुड्स से रिलेटेड है, गुड्स को लोड करवाने के लिए आपने पे किया है, तो आप दिखाएंगे बाय लोडिंग चार्जेस 150, यहाँ भी 150 दिखा देंगे, और कार्टेज में भी 150 दिखा देंगे.
इसके बाद आप क्या करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे ताकि आपको हर एक का अलग अलग पता हो कि आपने कहाँ पर कितने पैसे लगाए हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास इम्प्रेस सिस्टम के अकॉर्डिंग कितने पैसे आए थे, 10,000 आए थे। हमने ये सारे एक्सपेंसेस जब किए तो आपका खर्चा हुआ 8400 का, ठीक है। उसके अलावा बाकी सबका हमको पता होगा कि हमने किस पे कितने कितने पैसे लगाए हैं। यही आपका बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा। यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी 8400 था, बैलेंस कितना बचा 1600 का। जैसे हम पहले करते थे 10,000 था, 8400 के खर्चे हो गए, आपके पास बैलेंस बचा 1600। यही आपका, ये हमारा जुलाई 1 था, अगस्त में जाएगा टू बैलेंस पीडी। 1600 आपके पास ऑलरेडी है और आपको जो कैशियर है वो 8400 की पेमेंट कर देगा और नेक्स्ट मंथ फिर आपको क्या करने हैं, ये सारे एक्सपेंसेस करने हैं। तो इस तरह से सिंपल से है, आपने सिर्फ क्या करना है ये ध्यान में रखना है। सिर्फ तो एक पहले तो फॉर्मेट ही करना है। फॉर्मेट करने के बाद आपको किसी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सा खर्चा कहाँ पर डालना है, हमको नाम से ही पता चल रहा है सब कुछ। तो इस तरह से आप पेटी कैश बुक का फॉर्मेट करेंगे। अब आपको जो इसके क्वेश्चन करने हैं वो क्वेश्चन करने हैं 16 to maybe 19 है, 16 to 18 करने हैं, 19 करने की नहीं है रिक्वायरमेंट। तो आप क्वेश्चन करेंगे 16 to 18 पेटी कैश बुक के, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।